दोस्तों यूरोप के लिए 1800 से 1900 तक का दौर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर था, जब हर दिन अखबारों में किसी न किसी नए इन्वेंशन की खबरें छपती रहती थी। और दोस्तों जैसी हवा चलती है हर कोई वैसा ही सोचता है। तो इस साइंस और रिवॉल्यूशन के दौर में 1870 के आसपास क्रोएशिया, जो तब ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था, वहाँ एक 14 साल के बच्चे ने सोचा कि क्यों ना मैं भी कोई इन्वेंशन करूं। और ये सोचकर वो अपने बाप के वर्कशॉप में गया और वहाँ टूल्स की मदद से एक लकड़ी के छोटे टुकड़े को तलवार की शक्ल दे दी। अब इन्वेंशन तो हो चुकी थी, लेकिन एक अच्छे इंजीनियर होने के नाते अपनी इस नई खोज की टेस्टिंग करना अब उसका फर्ज था, जिसके लिए उसने बहादुरी से अपनी लकड़ी की तलवार पकड़ी और वही वर्कशॉप के पास अपने मक्के के खेत में जा पहुंचा, जहां उसने खुद को एक बहादुर फौजी समझते हुए एक एक करके मक्के के पेड़ों को दुश्मन के फौजियों की तरह काटना शुरू कर दिया। और मक्का की फसल जो अभी छोटी थी, उस नन्हे जवान की बहादुरी की इज्जत करते हुए हारे हुए दुश्मन की तरह गिरती चली गई। अब वो बालक दिलेरी से अपनी तलवार उठाए हुए एक इन्वेंटर और एक जीते हुए फौजी की हैसियत से घर जा पहुंचा और अपनी माँ को अपनी बहादुरी के किस्से सुना डाले। लेकिन जब माँ ने बाहर खेत में मक्का का हाल देखा तो सिर पकड़ लिया और चप्पल उठाकर बालक की मरम्मत कर डाली। बच्चा बेचारे समझ ही नहीं पा रहा था कि एक नई इन्वेंशन करने के लिए उसे इनाम के बजाय भला मार क्यों पड़ी। और इसके बाद भी जब उसके रिश्तेदार जब घर आए तो बच्चे ने देखा कि वो बजाय इन्वेंटर का हाल पूछने के खेत और फसल का हाल पूछ रहे हैं। बस यही से उस बच्चे ने फैसला कर लिया कि इंसान को कोई ऐसा इन्वेंशन नहीं करना चाहिए जिसकी कोई इज्जत ही ना करे, उल्टा मार खानी पड़े। लेकिन दोस्तों ये इस बच्चे का आखिरी इन्वेंशन नहीं था, बल्कि वक्त का कमाल ये देखिए दोस्तों कि अपने हुनर से लोगों की जिंदगी आसान करने के बाद भी इस दुनिया ने उसके किसी इन्वेंशन की कदर उसके जीते जी नहीं की। अपने आखिरी वक्त में वो पैसे पैसे का मोहताज रहा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्रोएशिया के मशहूर साइंटिस्ट और इन्वेंटर निकोला टेस्ला की, और हमारे चैनल थियोर्स की सीरीज थियो पर्सनालिटीज में आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। दोस्तों निकोला टेस्ला 1856 में क्रोएशिया में पैदा हुए थे, और जैसा हमने ऊपर बताया कि वो बचपन से ही कोई नई खोज नई इन्वेंशन करना चाहते थे। उनके बाप पेशे से एक किसान और एक पादरी थे और अपने बेटे को भी पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन बेटे के इरादे कुछ और थे। वो पढ़ाई में बहुत तेज थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, लेकिन पारिवारिक दिक्कतों के चलते वो कोई कॉलेज डिग्री हासिल नहीं कर सके। उन्होंने पढ़ाई छोड़ने के बाद कई छोटी मोटी नौकरियां की और आखिर में उन्होंने एडिशन मशीन वर्क्स नाम की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, के मालिक मशहूर वैज्ञानिक और इन्वेंटर थॉमस एल्वा एडिसन थे। टेस्ला जब एडिसन की कंपनी में काम कर रहे थे तो उनकी काबिलियत को देखते हुए उनके मैनेजर ने उन्हें अमेरिका आकर मैनहट्टन न्यूयॉर्क में काम करने का ऑफर दिया, जिसके बाद टेस्ला 1884 में 28 साल की उम्र में अमेरिका चले गए। अमेरिका में टेस्ला जब एडिसन मशीन वर्क्स में काम कर रहे थे तो एक दिन उन्हें एडिसन ने अपने ऑफिस में बुलाया और अपनी वर्कशॉप में 24 डायनामो जनरेटर को मॉडिफाई करके ठीक करके बदले में $50,000 का बोनस देने का वादा किया। इसके बाद टेस्ला ने इन जनरेटर्स को ठीक करने के लिए दिन रात एक कर दिया और एक एक दिन में 19-19 घंटे तक काम किया। लेकिन जब ये काम हो गया तो टेस्ला ने एडिसन से अपना बोनस मांगा तो एडिसन ने उन्हें हंसकर ये जवाब दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था और शायद तुम अमेरिकी ह्यूमर को नहीं समझते, मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड आर अमेरिकन ह्यूमर। और साथ ही ये भी कहा कि जो काम आप कर रहे थे उसकी सैलरी तो आपको हर महीने मिल ही रही है, तो कुछ और आपको क्यों चाहिए। इसके बाद टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। इसके बाद अगला एक साल टेस्ला के लिए मायूसी भरा था। यही वो वक्त था जब ये फिजिक्स जीनियस $2 रोजाना के लिए मिट्टी खोदने का काम करने के लिए मजबूर हो गया और पैसे की कमी के चलते कई बार उन्हें सड़क पर सोना पड़ा। और कई दूसरे छोटे मोटे काम भी उन्होंने किए, लेकिन ये टेस्ला का अंत नहीं था और उन्होंने एक बार फिर अपने लिए नए मौके तलाश करने शुरू कर दिए। टेस्ला की जर्नी से पहले आपको बताते चले कि अब तक पूरी दुनिया में बिजली डीसी पावर की फॉर्म में यूज होती थी, जिसके साथ दिक्कत ये थी कि इसकी रेंज बहुत कम थी और न्यूयॉर्क जैसे पूरे शहर को एक साथ बिजली देने के लिए किसी भी कंपनी को पूरे शहर में कम से कम 50 बिजली घर या पावर स्टेशन लगाने की जरूरत होती थी। फिर भी एक जगह से दूसरी जगह बिजली ले जाने में पावर लॉस बहुत ज्यादा होता था और इसीलिए अमेरिका और यूरोप में एसी पावर बहुत तेजी से मशहूर हो रही थी। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये थी कि अब तक मार्केट में अवेलेबल सभी मोटर्स डीसी ट्रैक्शन मोटर्स थे और दोस्तों मशीन तो मोटर से ही चलती है, सो ऐसे में अगर एसी पावर की सप्लाई को शुरू ही कर दे तो उसे कोई इस्तेमाल कैसे करेगा। और साथ ही तब की एसी पावर आज की तरह नहीं थी, उसकी तकनीक अभी तक बहुत लिमिटेड थी। बस इसीलिए टेस्ला एक इंडक्शन एसी मोटर और एसी डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत थी। एडिसन मशीन वर्क से काम छोड़ने के बाद उनकी मुलाकात थॉमस ह्यूस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी के मैनेजमेंट से हुई, जो टेस्ला के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। टेस्ला ने यहाँ काफी साल काम भी किया, लेकिन कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में ये कंपनी टिक नहीं पाई और दिवालिया हो गई, जिसके बाद उसे अपने लोन रिन्यू करवाने पड़े और नया कर्ज देने वाले बैंक की शर्त ये थी कि कंपनी को अपने खर्चे कम करने होंगे।
होंगे और उनकी नजर में टेस्ला का प्रोजेक्ट भी फालतू खर्च था जिसे बंद करना पड़ा। लेकिन दोस्तों इससे टेस्ला के कदम नहीं रुके। थॉमस ह्यूस्टन छोड़ने के बाद उन्होंने जो पेटेंट वहां काम करते हुए कंपनी के साथ पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड करवाए थे वो सब बेच दिए और रकम बांट ली। और इसी के साथ अब टेस्ला के पास इतना पैसा था कि वो खुद की रिसर्च लैब शुरू कर सकते थे। उन्होंने मैनहट्टन में लिबर्टी स्ट्रीट पर एक कंपनी शुरू की और एसी इंडक्शन मोटर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये खबर जब एडिशन तक पहुंची जो कि डीसी पावर के सपोर्टर थे और साथ ही वो टेस्ला से कहीं ज्यादा अमीर और रसूख वाले भी थे तो उन्होंने टेस्ला को रास्ते से हटाने के लिए एसी पावर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया जिसमें वो जगह जगह शो करवाते जहां ये दिखाया जाता कि एसी पावर कितनी खतरनाक है। एडिसन टेस्ला को नीचे दिखाने की धुन में इतना नीचे चले गए कि उसने लोगों के सामने कई जानवरों को एसी करंट के झटके देकर मार डाला ताकि लोग उससे डरें। लेकिन फिर भी जैसा कि कहते हैं कि प्रॉफिट ही सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है तो टेस्ला का डिजाइन किया वो एसी करंट ही जीता क्योंकि वो बिजली कंपनी के लिए सस्ता पड़ता था और साथ ही एसी की पावर सप्लाई के लिए पूरे शहर में एक ही बिजली घर काफी था। जबकि डीसी पावर के लिए जैसा हमने पहले बताया कि हर थोड़ी दूर पर एक पावर प्लांट लगाना पड़ता था जो कि एक महंगा काम था। लेकिन टेस्ला यही नहीं रुके बल्कि बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिलने के बाद उन्होंने ये काम अपनी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिकल्स के अपने पार्टनर को रॉयल्टी पर दे दिया और खुद एक बार अपनी धुन में लग गए और एक के बाद एक नए इन्वेंशन करते चले गए जिसमें एक्सरे मशीन से लेकर बेहतर डिजाइन वाला डीसी डायनेमो और कई दूसरी मशीन शामिल थी। और उन्होंने अमेरिका के मशहूर नायग्रा फॉल से बिजली बनाकर भी दिखाई और अब वो एक नए मकसद की तरफ बढ़ रहे थे और ये मकसद था अमेरिका के हर घर तक बिना तार के वायरलेस बिजली पहुंचाना। उन्होंने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया और साथ ही वो कई दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम करते रहे जिनमें से एक ऐसी मशीन भी शामिल थी जिसने टेस्टिंग के दौरान ही मैनहट्टन शहर में भूकंपीय अर्थक्वेक ला दिया था। और साथ ही उन्होंने एक बिना मूविंग पार्ट्स वाला वन साइड वॉल का डिजाइन भी बनाया था जो एक तरफ से पानी निकलने दे सकता था लेकिन दूसरी तरफ से आने वाले पानी के फ्लो को रोक देता था। 1895 में उनकी लैब में आग लग गई और ये आग इतनी तेज थी कि लैब का ऊपर का फ्लोर ढह गया और लैब में रखी टेस्ला की सालों की रिसर्च का रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। अब टेस्ला के पास ना तो उनकी रिसर्च बची थी और ना ही पैसे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी की तरफ ध्यान दिया जो कंपटीशन की वजह से नुकसान में चल रही थी। टेस्ला ने कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए अपनी तमाम रिसर्च रॉयल्टी फ्री कर दी और यही शायद टेस्ला की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों आपको बताते चले कि किसी भी तकनीक को जब कोई कंपनी बिजनेस में इस्तेमाल करती है तो उसे तकनीक के इन्वेंटर को मुनाफे का कुछ हिस्सा देना पड़ता है जिसे रॉयल्टी कहते हैं। इसके बिना वो किसी भी तकनीक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब चूंकि टेस्ला खुद कंपनी के हिस्सेदार थे इसलिए उन्होंने रॉयल्टी माफ कर दी जिससे उनकी तमाम इन्वेंशन उनकी कंपनी फ्री में इस्तेमाल करके मुनाफा कमा सकती थी। इसके बाद टेस्ला ने एक बार फिर से अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए और उन्होंने कोलोराडो में एक टावर बनवाया जिससे वायरलेस बिजली भेजने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जा सके। लेकिन सालों की रिसर्च के बाद जब एक दिन टावर को टेस्टिंग के लिए शुरू किया गया तो उसने नजदीकी शहर की पावर ग्रिड को उड़ा दिया और साथ ही नजदीकी घरों के सभी बिजली के सामान जला दिए जिसके बाद सरकार ने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को बैन कर दिया और टावर समेत उनके तमाम सामान को जब्त कर लिया और उनकी खुद की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिकल्स जहां से वो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए पैसे ले रहे थे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी उन्हें बाहर निकाल दिया क्योंकि वो अब तक काफी पैसा कंपनी के वर्किंग कैपिटल में से ले चुके थे और अब कंपनी के हिस्सेदार ये मानते थे कि उनका कोई हिस्सा कंपनी में बाकी नहीं है। साथ ही वो अब रॉयल्टी भी क्लेम नहीं कर सकते थे क्योंकि उसे वो पहले ही लीगली अपनी मर्जी से माफ कर चुके थे। अब एक बार फिर से टेस्ला पैसे पैसे के लिए परेशान थे लेकिन एक बड़ा बदलाव अब अमेरिका में शुरू हो चुका था। एक दूसरे इन्वेंटर मार्कोनी ने वायरलेस रेडियो बनाकर मैसेजेस को बिना तार के भेजने और रिसीव करने की तकनीक हासिल कर ली थी और ये एक बड़े काम की तकनीक थी और न्यूयॉर्क का हर एक बिजनेसमैन इसके राइट्स हासिल करना चाहता था और इनमें से एक था अमेरिका का मशहूर अरबपति जेपी मॉर्गन। मॉर्गन के पास पहले से ही अमेरिका से लंदन के शिपिंग राउट से लेकर ऑयल सप्लाई और रेलवे तक के बिजनेस थे और अब वो रेडियो कम्युनिकेशन के बिजनेस का भी किंग बनना चाहता था। मॉर्गन ने देखा कि मार्कोनी जो उसके कंप्यूटर लॉबी के साथ काम कर रहे थे उसके रेडियो की रेंज बहुत कम थी और लंबी दूरी का रेडियो कम्युनिकेशन उससे नहीं हो सकता था। इसीलिए मॉर्गन ने टेस्ला से कॉन्टेक्ट किया और पूछा कि अगर वो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन बना सकते हैं तो मॉर्गन की कंपनी उन्हें फंडिंग दे सकती है ताकि जैसे ही लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन बनेगा तो मॉर्गन उसे पेटेंट करवा लेगा और इस तरह वो अपने कंप्यूटर से आगे निकल जाएगा जिनके पास अभी तक सिर्फ छोटी दूरी का रेडियो सिस्टम था। टेस्ला ने ये प्रोजेक्ट ले लिया और काम करना शुरू कर दिया मगर वो अपनी धुन अभी तक नहीं भूले थे। उन्होंने मॉर्गन से पूछा कि क्या वो लॉन्ग रेंज रेडियो के साथ
साथ वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर भी काम कर सकते हैं। जिस पर मॉर्गन ने जवाब दिया कि अटलांटिक के उस पार लंदन तक बिना मीडियम के रेडियो कम्युनिकेशन पहुंचाना हमारा पहला टारगेट है, पहले उस पर काम करो। पर टेस्ला ने एक बार फिर गलती करते हुए चोरी चोरी दोनों प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करना जारी रखा। और आखिर वो दिन आ ही गया जब रेडियो के इन्वेंटर मार्कोनी ने टेस्ला से पहले 12 दिसंबर 1901 को अटलांटिक के पार लंदन तक रेडियो कनेक्टिविटी हासिल कर ली। और इसके साथ ही शॉर्ट रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज रेडियो भी उनके नाम हो गया। मॉर्गन को जब यह खबर मिली तो वो भड़कते हुए टेस्ला की लैब पहुंचा और उसने देरी की वजह पूछी तो पता चला कि टेस्ला यहां एक नहीं बल्कि दो दो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। टेस्ला ने उसे समझाने की कोशिश की तो मॉर्गन ने एक हिस्टोरिकल जवाब दिया। मॉर्गन ने कहा कि मिस्टर टेस्ला, मैं मानता हूं कि आप एक बहुत अच्छी तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिजली को वायरलेस सप्लाई करना शुरू कर देंगे तो भला मैं मीटर कहां लगाऊंगा और लोगों से बिल कैसे लूंगा। इसके बाद टेस्ला को मॉर्गन की कंपनी भी छोड़नी पड़ी और उनका बिना तार का बिजली घर घर ले जाने का ख्वाब एक ख्वाब ही रह गया। 1905 में मॉर्गन की मौत के बाद टेस्ला ने उनके बेटे जैक को एक लेटर लिखा, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी और टेस्ला किसी तरह छोटी मोटी रिसर्च अपने लेवल पर ही करते रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने डेथ रे के नाम से एक वेपन बनाया है जिससे वो दुश्मन जहाजों को दूर से ही शूट कर सकते हैं। उन्हें ब्रिटिश सरकार से इस तकनीक को खरीदने का ऑफर भी आया, लेकिन सरकार चाहती थी कि टेस्ला पहले तकनीक शेयर करे, फिर उसके बाद सरकार उनके साथ एग्रीमेंट करेगी। लेकिन टेस्ला जो पहले ही कई बार चोट खा चुके थे, उन्होंने बिना एग्रीमेंट के अपना रिसर्च पेपर शेयर करने से मना कर दिया और ये मौका भी टेस्ला के हाथ से निकल गया। इसके बाद उन्होंने अपनी मौत तक कई इन्वेंशन किए, लेकिन उनमें से टेस्ला कॉइल के अलावा कोई भी इतनी मशहूर नहीं हुई। बता दें कि टेस्ला कॉइल एक तरह का ट्रांसफार्मर होता है जिससे स्पार्क निकलते हैं, लेकिन अंदर बैठा हुआ आदमी बिल्कुल सेफ रहता है। उनका ये इन्वेंशन भी उनकी बचपन की लकड़ी की तलवार की तरह खूबसूरत तो बहुत था, लेकिन जादूगरों के शो के अलावा किसी खास काम आ नहीं सका और महज एक सौ पीस बना रहा। अब टेस्ला का वक्त न्यूयॉर्क के अलग अलग होटलों में ही गुजरने लगा, जिनका भाड़ा देने तक के पैसे उनके पास नहीं होते थे। कभी कोई मददगार या पुराना दोस्त आ जाता तो कुछ पैसे उन्हें मिल जाते, वरना वो होटल बदल देते। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि कई बार तो महीनों महीनों तक उनके पास खिड़की में बैठे कबूतरों के अलावा कोई और मेहमान नहीं आता था। 1937 में वो रोजाना की तरह अपने होटल रूम से निकले और किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी और उसके बाद कबूतरों को दाना देने के लिए चर्च गए। वहां से वापस आते हुए रास्ते में वो एक टैक्सी से नहीं बच पाए और टकरा गए, जिससे उनकी पसलियों में चोट आई। लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगे, लेकिन टेस्ला ने पैसे न होने की वजह से डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया और होटल रूम वापस आ गए। और अगले 6 साल परमानेंट तौर तक उन्होंने होटल रूम में ही गुजारे। 7 जनवरी 1943 को होटल द न्यूयॉर्कर के रूम 3327 में वो मुर्दा हालत में पाए गए। होटल मैनेजमेंट के हिसाब से वो लंबे वक्त से रूम में ही थे और उन्होंने पिछले 2 साल से होटल और खाने के पैसे भी नहीं चुकाए थे। होटल मैनेजमेंट जो उन्हें जानता था, उन्होंने किसी वजह से उन्हें होटल से नहीं निकाला था। टेस्ला ने रूम नंबर 3327 और 3328 लिए हुए थे, जिनमें 3327 में वो खुद रहते थे और 3328 में उनका रिसर्च मटेरियल था। पिछले 2 दिनों से उन्होंने अपने कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लटका रखा था, लेकिन जब 2 दिन गुजर गए तो होटल की मेड साइन को इग्नोर करते हुए उनके रूम में चली गई, जहां उसे टेस्ला की मौत का पता चला। लेकिन दोस्तों, टेस्ला की ट्रेजेडी उनकी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। जैसे ही उनकी मौत की खबर बाहर आई तो अमेरिका के खुफिया विभाग FBI और CIA ने होटल को सील कर दिया और टेस्ला की लाश समेत उनके सारे सामान को जब्त कर लिया, जिनमें उनकी कई सालों के रिसर्च पेपर भी शामिल थे। इसके बाद उनकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी राख या अस्थियां यादगार के तौर पर एक म्यूजियम में रख दी गई और होटल द न्यूयॉर्कर के रूम नंबर 3327 जहां उनकी मौत हुई थी, उसे एक म्यूजियम बना दिया गया जो आज तक उसी हालत में है। टेस्ला की मौत के बाद उनके भतीजे सावा कोसनोविक ने क्रोएशिया की सरकार की मदद से अमेरिका से टेस्ला की आखिरी निशानी और उनके सामान की मांग रखी और आखिरकार 9 साल बाद 1952 में अमेरिका ने उनका सामान और अस्थि क्रोएशिया को वापस कर दी, जहां उन्हें टेस्ला म्यूजियम में रख दिया गया जो आज तक वहीं पर मौजूद है। कोसनोविक ने अमेरिकन सरकार पर आरोप लगाया कि टेस्ला का सामान जो उनकी मौत के वक्त लगभग 80 बक्से या संदूकों में था, उनमें से सिर्फ 6 बक्से सामान ही उन्हें वापस किया गया और टेस्ला के सालों की रिसर्च अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर हड़प ली, जिसे आज तक वापस नहीं किया गया। टेस्ला बिना शक एक कामयाब इंजीनियर और एक माहिर साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्हें कभी वो इज्जत नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे, जबकि उनकी इन्वेंशंस आज तक लोगों को अचंभे भी डाल देती हैं और उन्हें फायदा पहुंचाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला वाकई एक काबिल साइंटिस्ट थे या वो महज एक सनकी जीनियस थे जो बचपन की लकड़ी की तलवार की तरह सिर्फ बेकार के इन्वेंशन करते थे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।